Burn. Okay, I'm bored in the house and I'm in a house bored. Bored in the house and I'm in a house bored. Bored in a motherfucker in a house bored and I'm bored in a motherfucker in a house bored. Hey, what's up? Board in the house. रुको दो मिनट, इसको पार कर दो, इसका बैटरी भी वैसे थोड़ा कम होते जा रहा है. Anyway, so board in the house, in a house board, board in the house, I'm in a house board. ये जो गाना है ना, बहुत लोग सुन रहे हैं. I mean, बहुत लोग ये गाना यूज कर रहे हैं, ये गाने को लेके वीडियोस बना रहे हैं. ट्रेंडिंग हो गया ये गाना. So I agree you guys are bored. I totally agree. Even I am bored. But सिर्फ bored in a house नहीं होना चाहिए. I feel bored and safe in a house. Because you're not only bored in your house. Remember that. You're also safe in your goddamn house. Genius. No, but on a serious note, we are really blessed and also safe to have shelter in this dangerous situation. सबके पास नहीं होता यार. So not only bored in the house, also safe with the house. वैसे गाने से कोई problem नहीं है. मेरे को गाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बार सुनता भी हूँ. बस आज सुबह उठ के एक thought आया मेरे mind में, तो आपके साथ share कर दिया. I think Tiger को tweet करना चाहिए. Also guys, if you are on Twitter, please follow. Feel free. Okay, let's go. Tiger, why only bored in the house? Tweet. Let's go. कर दिया है मैंने ट्वीट. इन केस यू डोंट फॉलो फॉलो मी ऑन ट्विटर. अभी पता नहीं टाइगर करता है कि नहीं रिस्पॉन्ड, बट इफ ही रिस्पॉन्ड्स, ओएमजी. आई एम बोर्ड इन अ हाउस एंड आई एम इन अ हाउस सेफ. बोर्ड इन अ हाउस एंड आई एम इन अ हाउस सेफ. आई एम बोर्ड. आई एम बोर्ड इन अ मदरफकर इन अ हाउस बोर्ड एंड आई एम बोर्ड इन अ मदरफकर इन अ हाउस बोर्ड. बोर्ड इन अ हाउस एंड आई एम इन अ हाउस सेफ. ओ ओ ओ ओ शिट. आ बोर्ड. आई एम बोर्ड इन अ मदरफकर इन अ हाउस. कुछ भी बुला लो. और तभी मैं ये बिल्डिंग में, ये सोसाइटी में नया नया आया था और मैं चला रहा, मतलब जब भी मैं शिफ्ट हुआ था ना, तभी मैं ये लेके आया था और मैं नीचे ऐसे ही चला रहा था. मेरे कोई दोस्त नहीं थे, कोई फ्रेंड नहीं बना था तभी. तो चलाते चलाते एक बंदा आया, उसका नाम निसर्ग. तो वो मेरे पास आया और मेरे को आके पूछा कि ये क्या है, तू क्या चला रहा है होवरबोर्ड. मतलब तभी ये बहुत नया था, बहुत कम दिखता. तो मैंने उसको बताया होवरबोर्ड था. बेसिकली ये चीज से हम लोग की दोस्ती बनी. तो हम लोग बात कर रहे थे और बाद में बात करते करते मेरे को पता चल गया था उसको बहुत मन हो रहा है चलाने का. तो उसने मेरे को पूछा बात बात में कि मैं चलाऊ कि नहीं होवरबोर्ड. अभी देखो, मामला थोड़ा गंभीर था. मैं होवरबोर्ड चला रहा था. वो धीरे धीरे होवरबोर्ड को देख के मेरे पास आ रहा था. जैसे जैसे वो मेरे पास आ रहा था, वैसे वैसे मेरा डाउट बढ़ता जा रहा था कि उसको होवरबोर्ड चाहिए. और फिर फाइनली वो मेरे पास आया. हम लोग ने हाय हेलो किया, जो होना था वो हो गया. उसने मेरे को पूछा क्या मैं ये चीज चला सकता हूँ होवरबोर्ड. आई मीन आगे की कहानी आप सुन लो. ये मेरा नया गिफ्ट था, बहुत नया नया था. दोस्त भी नया था. अभी नए दोस्त को आप ऐसे मुंह पे थोड़ी बोल सकते, ये नहीं तू नहीं चलेगा, तू निकल. अभी एकदम ऐसे पहले से जो फ्रेंड रहते ना, एकदम चड्डी बड्डी एकदम बेस्ट फ्रेंड, उनको डायरेक्ट ना बोल सकते मुंह पे, मत चला निकल पागल, तेरे को चलाना आता है क्या. मैं नहीं देखा तेरे को चलाने. अभी इसको तो ऐसा नहीं बोल सकते ना, एक तो नया नया फ्रेंड है. अभी उसको डायरेक्ट ना बोलता तो वो क्या समझ जाता यार, उसको तो बुरा लगता ना, क्या ना बोल रहा है, एक तो नया बंदा आया. ये सब बहुत थॉट चल रहे थे तभी मेरे माइंड में. तो हाँ, बोलना पड़ा मेरे को, अंदर से ना बोला था. आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपकी कोई भी एक नई चीज रहती है, मतलब वो चीज इतनी कीमती होती है कि आपके माइंड में भी ऐसा होता है, नहीं भाई ये चीज सिर्फ मेरी है, मैं किसको हाथ लगाने नहीं दूंगा. तो मेरे मन में भी कुछ वैसा ही था, नया नया चीज था, किसको नहीं देना था, मेरे माइंड में भी ऐसा चल रहा था. पर अभी मेरे को फ्रेंड्स भी बना रहे थे, नए बिल्डिंग में था और एज आई टोल्ड यू कि एकदम कोई पुराना दोस्त नहीं था, तो मैंने उसको दे दिया. और जब भी उसको ओवरबोर्ड दिया ना, माय हार्ट बीट्स और टक 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 टक. नई चीज तो यू नो, एक चीज से अटैचमेंट रहता है अपना वैसे, और नई चीज से तो ज्यादा ही रहता है कुछ. पर देने से पहले मैंने उसको पूछा भी था, तेरे को आता है ना चलाना, प्रैक्टिस कर ले, तेरे को आता है ना, तूने कभी चलाया क्या. तो उसने मेरे को बोला हाँ मैंने स्केटबोर्ड चलाया, तो ये मेरे को आ जाएगा, टू व्हीलर है. और एकदम कॉन्फिडेंटली बोला हाँ आराम से देना देना बिंदास, आराम से चला लेगा, ऐसा बोला. तो वो चला रहा था स्लोली स्लोली, थोड़ा आगे बढ़ रहा था और चला रहा था ठीक से, और मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था. मतलब कुछ ऐसा सीन था, वो इधर ऐसा चला रहा है और मैं उसके से पीछे 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 ऐसे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ ठीक है ना, गिरा तो नहीं, गिरा तो नहीं, होवरबोर्ड से ये ना अपना, उसकी पूछ बन गया था मैं. और बाद में द सिली एंड द फन पार्ट इज, मैंने उसको प्रेशराइज कराया, ये ठीक से चला रुक रुक, इतना फास्ट बच जा, ठीक से चला आराम से आराम से आराम से, ऐसा ऐसा बोल के जो होना था वो हो गया. एक पत्थर सामने आ गया, होवरबोर्ड अटक गया,
वो गिर गया, ओवरबोर्ड तो रोल 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 हो गया, ऐसा पीछे गया और मेरा फ्रेंड निसर के एकदम आगे ऐसा नीचे गिर गया। अभी बाद में और एक क्वेश्चन था, ओवरबोर्ड को देख रहे जाओ कि नए फ्रेंड को देखने जाओ पहले? ओवरबोर्ड भी कीमती था, फ्रेंड भी नया था, वरना वो बुरा मान जाता। मैं ओवरबोर्ड को देखने गया तो मैं गया भाग 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 के ओवरबोर्ड को लिया, कुछ हुआ तो नहीं ओवरबोर्ड को, कुछ हुआ तो नहीं, एकदम देखने लगा, एकदम पैनिक हो गया। वो उठ गया, उसको इतना कुछ नहीं लगा, वो ठीक ठाक था, उसको इतना कुछ नहीं हुआ, उसके ट्रैक्स थोड़े फटके थे। बाद में ओवरबोर्ड के इधर गया और ये जो एलईडी लाइटिंग है ना ओवरबोर्ड के बाजू में आती है, ये वाली लाइट पैर रखूंगा ना इधर लाइटिंग आएगी, तो ये लाइटिंग के बाजू में इसलिए ये टेप लगी है। ये टेप बाद में मैंने लगाई, एक प्लास्टिक पार्ट है ये, पूरा ऐसा इधर से निकल गया और ये भी इधर से निकल गया, एलईडी स्ट्रिप ठीक से बैठा तब जाके थोड़ा ठीक तो हो गया, पर ये ऐसा टूटा हुआ है एक्चुअली, बहुत वीक है। अभी बात आती है उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला सॉरी यार गलती से, बट कुछ नहीं, हम लोग दोनों बहुत हंसे उसके बाद और ये भी ठीक हो गया क्योंकि मैंने टेप वेप लगा दिया और हाँ दोस्त बन गए। और उसके बाद यू नो एक थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी और मैंने उसको बाद में साफ साफ बोल दिया, अभी कभी मत चलाना ओवरबोर्ड। कभी कभी ना ओवरबोर्ड एकदम वाइब्रेट होने लगता है और ऐसा पूरा हिल के देखो पागल हो जाता है, देखो 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 देखो, ओ माय गॉड पूरा मसाज मिल जाता है। ये लेडी क्या बोलते ना मेरे को अभी तक नहीं समझा, कुछ तो बोलती है मैथ्स कर, ऐसा ऐसा लगता है, और एक बार सुन ऐसे लगता है ना मैथ्स कर, अरे कर लिया मैथ्स नहीं कर रहा। इसे बोलते हैं पतली गली से निकलना। कोई वाइब्रेशन वाली आवाज़ें नहीं, कोई अचानक नहीं आने लगी ओवरबोर्ड से। वेल एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, एक दो साल पहले की बात है, मैं ओवरबोर्ड लेके नीचे गया था, नीचे मतलब हम लोग के बिल्डिंग के कंपाउंड में, एक्चुअली इट्स फन टू राइड ओवर देयर, मजा आता है। तो मैं ओवरबोर्ड लेके गया था, नीचे चला रहा था और बाद में मेरा एक फ्रेंड आया यश, तो वो आया, वो पूछा मैं ओवरबोर्ड चलाऊं क्या, तो अभी तो ओवरबोर्ड थोड़ा पुराना हो गया था तो मैंने बोला हाँ चला, तो ओवरबोर्ड लिया, चला रहा था, स्मूथली चला रहा था, बहुत अच्छा चला रहा था, नो वरी नो टेंशन था। एक दो राउंड मारे उसने हम लोग के कंपाउंड के, बट बाद में अपने भाई में आ गई थोड़ी हिम्मत, अभी हिम्मत मतलब उसको फास्ट एंड फ्यूरियस होना था। ओवरबोर्ड का मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है, तो ये भाई वो एक्सीड कर दिया 16 किलोमीटर पर आवर, और नॉर्मली क्या होता है इफ यू एक्सीड ओवरबोर्ड स्पीड तो कुछ ऐसा साउंड आता है, इट्स अ वार्निंग बेसिकली। तो और वो आवाज सुन रहा था तो भी मस्त ऐसा जा रहा था एकदम, उसको लग रहा था कुछ सुपर हीरो ही है, मस्त जा रहा था और स्पीड ब्रेकर के बीच में आया। तो हम लोग के बिल्डिंग में कुछ ये लेंथ के स्पीड ब्रेकर है, लेट मी शो यू। तो वैसे कुछ स्पीड ब्रेकर है उसके बीच में आया मतलब ओवरबोर्ड, और वो एकदम फास्ट था। और अभी देखा जाए तो ओवरबोर्ड का भी ग्राउंड क्लियरेंस इतना नहीं है, एकदम डाउन टू अर्थ है वो, डाउन टू अर्थ मतलब एकदम नीचे ग्राउंड के, और वो अटक गया उसमें, एकदम फास्ट था। और भाई ओवरबोर्ड ऐसा पीछे वापिस बेचारा रोल होता गया, कितना दुख लग रहा था, कितना बुरा लग रहा था वो ओवरबोर्ड के लिए, मुझे कितना बुरा लग रहा था बेचारे। आई विश आई कुड हैव फिल्म्ड दैट, आई वाज सो एपिक। तो यश ऐसा आगे गया अपना, यश ऐसा एकदम आगे गया और ये ओवरबोर्ड में नया प्रॉब्लम चला हो गया, विच वाज द फ्री वाइब्रेशन मसाज। तो ऐसे कुछ किस्सों की वजह से ये ओवरबोर्ड में डिफेक्ट्स आने लगे, वरना एकदम तगड़ा था। बट अभी क्या बोले यार, दोस्तों होते ही कमी ने। क्रिएटिविटी सिर्फ क्रिएटर में नहीं होती, उसके व्यूअर्स में भी रहती है, जो देखने वाले ना वो लोग भी बहुत क्रिएटिव रहते हैं। और भाई अपनी पब्लिक, अपने सब्सक्राइबर्स, ये लोग तो बहुत ही क्रिएटिव है, तो मेरे को बहुत सारे क्रिएटिव कमेंट्स आते रहते। मेरा वो वाला ब्लॉग था ना भाई, मुंबई का निकल्स कैमरा एट बुरा बाजार, सो उस पे बहुत सारे कमेंट्स आए, पर मैंने 3 ऐसे कमेंट्स चुने जो मेरे को क्रिएटिव लगे, लेट मी शेयर विद यू गाइस आल्सो। ओके सो द फर्स्ट वन इज बाय मिस्टर ब्लॉगर, उसने क्या लिखा है, दिस ब्लॉग हैज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, मतलब पहले सस्पेंस में, यूट्यूब स्टूडियो का नोटिफिकेशन, तभी मैं भी नर्वस हुआ,
भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उसने इतने एंटर किया और बाद में उसने लिखा है इट एंड, मतलब दिस ब्लॉग हैज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इट एंड्स। सो सेकंड इज बाय रिप एक्स राहुल गेमिंग, ये फनी भी है थोड़ा। डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू नो द लोकेशन ऑफ द पीपल डिसलाइकिंग दिस वीडियो, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, अलग अलग सोचा एकदम आपने, सही है भाई। और तीसरा कॉमेंट इज बाय सत्यम पटेल, उन्होंने लिखा आई केम फ्रॉम फ्यूचर, यू गॉट ब्लॉगर ऑफ द ईयर इन आवर टाइम। वो एकदम उधर पहुंच गया था, मैं इमेजिन कर रहा था वो अवार्ड लेते वक्त, बट एनीवेज गाइस वो दिन भी आएगा, आई मीन टिल देन साफ कीप ऑन वर्किंग हार्ड। भाई एकदम लाजवाब कमेंट्स, मेनी ऑफ यू क्रिएटिव पीपल हैव कमेंटेड सो मेनी क्रिएटिव थिंग्स, बहुत सारे क्रिएटिव कमेंट्स आपने किए, ऐसे तो बहुत है पर अभी मैंने बस तीन पढ़े वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, और ये भी मैंने रैंडमली किया, मतलब जो पहला आया मैंने वो उठा के डाल दिया। क्या कमेंट्स किए, मस्त, मेरे को बहुत अच्छे लगे और बहुत क्रिएटिव है। बाय द वे आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स, मेरे को सब कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है और मेरे को सब कमेंट्स अच्छे लगते हैं। बेसिकली आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट, इट रियली मींस अ लॉट, क्योंकि आप मेरे को बहुत प्यार देते हो कमेंट सेक्शन में भी, व्हिच आई रियली एम राइट मैन। इसी बात पे इट्स टाइम टू शट द कैमरा, ये वाला व्लॉग एंड कर देते हैं। आई नो ये व्लॉग थोड़ा लेट आया होगा, आई मीन आफ्टर अ वीक आ रहा है ये व्लॉग, सॉरी फॉर दैट गाइस, एक प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ये जो मेरा लैपटॉप है ना इसके लोकल एसएसडी का स्टोरेज पूरा गया था। वैसे मेरे सब पुराने व्लॉग्स में एसएसडी में स्टोर करता हूं पर अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो एसएसडी नहीं मिल सकता, तो उसके वजह से क्या करे, तो क्लाउड स्टोरेज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो क्लाउड स्टोरेज पे सब पुराने व्लॉग्स मैंने अपलोड कर दिए, मैं कौन से भी अपने ओल्ड व्लॉग्स डिलीट नहीं करता, आई मीन एक सिंगल फाइल भी उसके अंदर का डिलीट नहीं करता, बिकॉज यू नेवर नो कभी काम आ जाए, एंड जस्ट फॉर मेमोरीज आल्सो आई कीप देम। तो भी फर्स्ट टाइम मैंने क्लाउड स्टोरेज पे डाले, गूगल ड्राइव पे डाले, तो डालने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि बहुत सारे फाइल्स थे और बहुत हैवी फाइल्स थे, एंड अकॉर्डिंग टू माई इंटरनेट स्पीड उसको बहुत टाइम लग गया। सो दिस वॉज द लास्ट सीन बाय द वे, एंड नाउ इफ यू सी आई हैव 457 GB फ्री ऑन माई लोकल डिश डी, मतलब इतने 457 GB तक के फाइल्स थे, अभी आप समझ लो। With that being said, guys, that's it for the vlog. If you have enjoyed this vlog, या फिर ये vlog ने आपको entertain किया, make sure you hit that like button. Because जैसे कि मैं हर vlog के ending में बोलता हूँ, if you hit that like button, YouTube pushes this content to new people. So जैसे कि नए people अपने channel से जुड़ सकते हैं, which would grow our family. So please. Hit that like button. It's completely free. And also share this vlog with everyone. Unko bhi entertain karo lockdown mein. They must be bored in their house. And also safe in their house. You know what I mean? And feel free to comment whatever you want on this vlog. Jaise ki maine bola, I reply to each and every comment which drops in. So, karo kuch bhi comment. And if you're new to the channel, make sure you hit that subscribe button. Because I keep on uploading lit vlogs like this. And definitely see you in my next vlog. Bye! Oh no.